कोरोना के खौफनाक मंजर में जहां हर इंसान भयभीत है, वहीं अपनी जान जोखिम में डालकर हम सब की हिफाजत कर रहे पुलिस कर्मचारी अपना परिवार सब छोड़कर ड्यूटी पर तैनात हैं। इन कर्मचारियों पर दिन रात समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी बनी रहती है। खासकर कोरोना संकट में इन जवानों की ड्यूटी और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। क्योंकि महामारी के दौर में कई पुलिस कर्मचारी भी बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। ऐसे में स्वस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी और बढ़ रही है। मसलन इन जवानों की सेवा भाव व जज्बे को देखकर डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के दिशा निर्देशों के तहत जिला सिरसा के ब्लॉक कल्याण नगर के शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के जवानों ने रात्रि के समय शहर के मुख्य मार्गों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के जज्बे को देख उन्हें महामारी से बचाव के लिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए फल फ्रूट जैसे नींबू पानी, सेब, केला, संतरा, आम जैसे तमाम विटामिन सी से भरपूर फलों और कोरोना रोकथाम के लिए किटें उन्हें सम्मान स्वरूप भेंट की गई, जिसे पुलिस कर्मियों ने पूरे सम्मान के साथ सेवादारों द्वारा भेंट की गई सामग्री को प्राप्त किया तथा सेवादारों ने इस उपरांत तमाम पुलिस कर्मचारियों को सैल्यूट मारकर उनका हौसला बढ़ाया। इस बाबत कई पुलिस कर्मचारियों ने सेवादारों के इस नेक कार्य पर बोलते हुए कहा कि हमने कभी भी ये सोचा नहीं था कि आप जैसे सेवादार खासकर रात के इस समय में आप हमारी हौसला अफजाई करने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिया गया ये मान सम्मान हमें ताउम्र याद रहेगा और आपके द्वारा इस किए गए कार्य की हम दिल से प्रशंसा करते हैं। डेरा सच्चा सौदा के पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के पावन आह्वान पर पूज्य गुरु जी के पांचवीं शाही पत्र में शाही चिट्ठी आई थी और उसमें पूज्य गुरु जी ने आह्वान किया था कि कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धा जैसे चिकित्सक, डॉक्टर साहिबान, नर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सें और पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पे तैनात हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर, इन सबको जो कि अब कोरोना कोविड 19 चल रहा है भयंकर दौर में, तो इनको ये फ्रंट लाइन में खड़े हैं और इनको सम्मानित किया जाए, सलूट किया जाए। तो ब्लॉक कल्याण नगर के सारे शास्त्रनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के जितने भी सेवादार हैं वो सभी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। दिन में भी जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ जाते हैं, जितने भी पुलिस कर्मचारी नाकों पे होते हैं थाने में या जहाँ पे भी ड्यूटी दे रहे हैं, और जितने भी एम्बुलेंस के गाड़ियों के ड्राइवर हैं, उन सभी के पास पूज्य गुरु जी के आह्वान पर फ्रूट किट, नींबू पानी और कोरोना रोकथाम की किटें बेंट की जा रही है और उनको सल्यूट किया जा रहा है। रात का जैसे दिन में अलग कर्मचारी होते हैं लेकिन रात को ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो जाती है, तो ये भी पूरी रात ड्यूटियां देते हैं, मुस्तैदी से खड़े रहते हैं और पूरी अपनी ड्यूटी की निर्वहन करते हैं, तो क्यों न इनको भी रात को सम्मानित किया जाए, इनको भी सलूट किया जाए। ये है साथ संगत ने सोचा कि पूज्य गुरु जी ने तो सबके लिए बोला है, तो ऐसे ही ग्रीन एस के सेवादार दिन रात ये सेवा में लगे हुए हैं और शासन प्रशासन के साथ हमेशा ही साथ खड़े रहेंगे। संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसान है, उन्होंने जो एक पत्र, जो पांचवा पत्र था उनका, उसमें एक सारी साध संगत को संदेश दिया कि जो ये महामारी कोरोना की चल रही है उसमें जो हमारे जो फ्रंट लाइन पर हैं, तो देखें उसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं और जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे डर के मारे इस महामारी में, उस टाइम वो यदि ड्यूटी अपनी ना दें तो देश का क्या हाल होगा। तो इसके लिए गुरुजी ने बोला उन सबको सैल्यूट करके, उनको फ्रूट किट देकर, उनको नींबू पानी देकर और उनको जो इससे कोरोना से बचने के लिए जितनी भी कोई मेडिसन है उसकी किट बनाई गई है, उनको सैल्यूट करके, सैल्यूट करना गुरुजी ने कहा है और गुरुजी शुरू से ही इन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो इस टाइम में तो ये फ्रंट लाइन पर है, तो सैल्यूट करके उनको ये फ्रूट किट हम सम्मानित करते हैं
उनका जो वो सेवा कर रहे हैं देश की, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। पर गुरुजी ने कहा है, उनको मोटिवेट करने का इससे बढ़िया तरीका इस टाइम कोई नहीं है। देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।